महाराष्ट्र में सरकार गठन पर छाए असमंजस के बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर एनडीए से रिश्ता टूटने का सबूत दे दिया है। वहीं अपनी शर्त मंजूर होने के बाद एनसीपी ने भी साफ कर दिया है कि वो शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में वैकल्पिक सरकार देने को राजी है, लेकिन एनसीपी का अंतिम निर्णय कांग्रेस पर निर्भर करेगा। ऐसे में महाराष्ट्र में सरकार के ताले की चाबी अब सबसे कम सीटें जीतने वाली कांग्रेस और उसकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों में आ गई है। इस मसले पर कांग्रेस ने दिल्ली में आज बैठक बुलाई है, जिसमें समर्थन को लेकर फैसला हो जाएगा। इस बैठक में महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को ही मुंबई में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बताया कि एनसीपी कांग्रेस से बात करके ही फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शाम में मीटिंग है, उसका हमें इंतजार है। कांग्रेस जो भी फैसला लेती है उसी के बाद एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर अपना निर्णय लेगी। यानी अब महाराष्ट्र की सत्ता की सुई दिल्ली के 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के आवास पर आकर टिक गई है, जहां उनके नेतृत्व में शाम यानी कि आज पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक होने जा रही है।